सोलन में मीट शॉप संचालकों की मनमानी नहीं चलेगी, उन्हें भी नियमानुसार कार्य करना पड़ेगा। ये बात खाद्य आपूर्ति निरंतर मिलाप शांडिल्य ने कही। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से उन्हें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ मीट की दुकानें चलाने वाले शहरवासियों से अधिक कीमत वसूल रहे हैं, जिसके चलते विभाग द्वारा औचक निरीक्षण भी किया गया। जो दुकानदार नियमों के अवहेलना करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई, कुछ कुछ चेतावनी देकर छोड़ा भी गया। उन्होंने बताया कि उनका अभियान भविष्य में भी यूं ही जारी रहेगा और अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य आपूर्ति निरंतर मिलाप शांडिल्य ने बताया कि विभाग द्वारा 24 मीट की दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ ग्राहकों से अधिक दाम वसूल रहे थे। उनकी दुकानों में से एक क्विंटल 25 किलो मीट जब्त किया गया और 11 दुकानदारों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला सोलन के साथ किसी भी तरह का शोषण ना हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाजार में पॉलिथीन बैग का भी उपयोग किया जा रहा था, जिसके लिए लगभग 50 दुकानदारों का निरीक्षण किया गया। 9 दुकानदारों को प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग करने के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और चिकन की दुकानें हैं, ये सभी दुकानें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आती हैं और जिला प्रशासन ने इसकी दरें फिक्स की हैं। 24 सितंबर को हमने मार्केट में चेकिंग की है, जिसमें हमने 24 दुकानें चेक की और उसमें से 11 जो दुकानदार थे वो ओवर चार्जिंग पाए गए, महंगी दरों पर वो मीट और चिकन बेचते पाए गए हैं, तो हमने इनके चालान किए हैं और एक क्विंटल 25 किलो मीट और चिकन हमने जब्त किया है। तो इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब ये सारे के सारे केस जो हैं वो उपमंडल अधिकारी के अदालत में पेश किए जाएंगे और वहाँ इनके फैसले होंगे। इसके अतिरिक्त तो बाज़ार में ऐसी कंप्लेंट आई थी कि पॉलीथीन जो प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और आदरणीय मंत्री महोदय ने भी इसको गंभीरता से लिया था और उन्होंने आदेश दिए थे कि पॉलीथीन के ऊपर निगाह रखी जाए और इसको चेक किया जाए। तो आदेशों की अनुपालना में हमने चेकिंग की। 2 दिन ये अभियान चला है, इसमें हमने 49 दुकानें चेक की, जिनमें से 8 दुकानों में प्रतिबंधित पॉलीथीन प्रयोग होता पाया गया। हमने वो मौके पर जब्त किया है और 21,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल कर सरकारी खजाना में जमा करवाए।